तो गाइस हमारी पेड टेलीग्राम चैनल पर तुनोब सील का पूरा नॉवल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय 80% ऑफ भी चल रहा है, तो आप सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए और पूरा एपिसोड देख लीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो नेक्रोमेंसर रिलैक्स होता है वह टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रहा था ताकि वह कायर को ट्रांसफर कर सके। नेक्रोमेंसर एलेक्स कहता है, मैंने तुम्हारा निर्माण किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे पकड़ से बचकर जा सकते हो? जब मैंने तुम्हें बनाया था तो सारी पॉसिबिलिटी को पहले ही सोच ली। मुझे तुम्हें विनाश करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। एलेक्स तुरंत अपना पैर उस टावर ऑफ इटर्निटी के सातवें फ्लोर के मंजिल पर मारता है। पूरा टावर ऑफ इटर्निटी हिल जाता है, जैसे वह एलेक्स का दबाव झेल नहीं पा रहा है। और एलेक्स अपने हाथ से कुछ एनर्जी इस टावर ऑफ इटर्निटी पर छोड़ता है ताकि वह टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सके। टावर ऑफ इटर्निटी के आसपास जितने भी भूत घूम रहे थे, जितनी भी मौत की आभा या जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह तुरंत सफेद रंग की ऊर्जा में बदलकर टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर समाने लगती है। पूरा टावर ऑफ इटर्निटी का सातवां फ्लोर एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। टावर ऑफ इटर्निटी के हर एक फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा थी, जैसे कोई स्वर्ग से उतरी हुई ये सारी ऊर्जा थी। अगर कोई बंदा इन्हें एब्जॉर्व कर ले तो उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने में। अब टावर ऑफ इटर्निटी पूरी तरह से प्योर हो चुका था, अब वह एलेक्स के कंट्रोल में आ चुका था। तुरंत एलेक्स उस टावर ऑफ इटर्निटी से जो उसका इटर्नल मेलोडी है वह निकालता है और तुरंत कायर को तरफ दे देता है और कहता है, कायर मैंने जो तुम्हें हजार साल की अपनी मृत्यु ऊर्जा दी है वह तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी, इसीलिए यह मैंने तुम्हें इटर्नल मेलोडी लॉकेट दिया। इस इटर्नल मेलोडी में जितनी तुम्हारी बॉडी ऊर्जा अवशोषित कर पाएगी उतना तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा और बाकी मेरी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इस इटर्नल मेलोडी लॉकेट में रहेगा और यह इटर्नल मेलोडी लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा और जब भी तुम कल्टीवेशन करोगे इस इटर्नल मेलोडी लॉकेट से वह सारी मृत्यु की आभा जो मैंने हजार साल से थोड़ी बहुत पवित्र ऊर्जा इकट्ठा की थी वह तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने लगेगी और तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। उसके बाद जो एलेक्स होता है वह तुरंत कायर का डेट ऑफ गॉड का खंजर उठाता और कहता है, तुमने मेरे शिष्य को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। जो एलेक्स था उसने डेट ऑफ गॉड के खंजर पर वह सील हटा दी थी, जिसके कारण जब भी कायर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्षमता का उपयोग अपने डेट ऑफ गॉड के खंजर से करती थी तो उसकी कोई ना कोई इंद्रियां चली जाती थी। लेकिन एलेक्स हंसते हुए कहता है, तुम डेट ऑफ गॉड हुए तो क्या? अगर मैं चाहा होता तो तुम जैसे देवताओं से भी आगे कल्टीवेशन करके पहुंच जाता। और तुरंत एलेक्स उस डेट ऑफ गॉड के खंजर से उस तुरंत जो सील लगी हुई थी हटा देता है। तुरंत डेट ऑफ गॉड का खंजर और भी तेज से चमकने लगता है। कायर इस नजारे को देखकर शॉक थी, क्योंकि डेट ऑफ गॉड का खंजर गॉड का एक हथियार था जिस पर लगी हुई सील कोई कैसे हटा सकता है। तभी जो एलेक्स होता है वह फिर से उस हथियार को कायर को सौंप देता है। अब कायर के हाथ में जैसे ही डेट ऑफ गॉड का खंजर आता है, कायर के हाथ में वह बहुत ही खतरनाक पावर को महसूस कराता है। कायर अब बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी वहां पर जो एलेक्स होता है वह अपनी पावर्स का यूज करके टावर ऑफ इटर्निटी का फुल कंट्रोल कायर को ट्रांसफर कर देता और कहता है, तुम्हारे पास अगर लॉन्ग हाउचेन जैसी सन ऑफ लाइट की पावर और उसकी जैसी क्षमताएं नहीं हुई तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो दिया है वह तुम्हें सन ऑफ लाइट से कमजोर तो बनाएगा नहीं, भविष्य में तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इन पावर्स के होते हुए। और तुरंत जो एलेक्स होता है वह एक सफेद लाइट की बीम बनकर उड़ने लगता और जाते जाते कहता, तुम दोनों कभी भी एक दूसरे पर शक मत करना, किसी के बहकावे में मत आना और अपनी पावर्स को बढ़ाओ और मैं भविष्य में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। और जो कायर होती है वह तुरंत उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कायर तुरंत उनके सामने झुक जाती है। एलेक्स तुरंत एक लाइट की बीम बनकर वहां से चला जाता है। अब एलेक्स की आत्मा इस दुनिया से चली गई थी और एलेक्स के साथ साथ उसका जो मकबरा था वो भी टावर ऑफ इटर्निटी के सातवें फ्लोर से चला गया था। और इधर हमें दिखाया जाता है जब नेक्रोमेंसर एलेक्स ने लॉन्ग हाउचेन के सीने में उसका दिल स्थापित किया था, तभी से लॉन्ग हाउचेन कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ गया था ताकि वह उस दिल को अपने अंदर सही से संभाल सके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कायर होती है वह टावर ऑफ इटर्निटी के छठवें फ्लोर पर पहुंचती है, जहां पर उसके सारे साथी उसका इंतजार कर रहे थे। कायर को पूरा टावर ऑफ इटर्निटी का कंट्रोल मिल चुका था, जिसके कारण
कायर कभी भी टावर ऑफ इटर्निटी को कहीं भी समन या कहीं भी उसके फ्लोर पर इधर उधर आ जा सकती है। और जो कायर होती है तुरंत अपने सभी साथियों के पास पहुंचती है और कायर को सभी साथी उसके देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत वो लोग उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन ठीक है कायर। और वो लोग जान रहे थे कि कायर कभी भी लॉन्ग हाउचेन को सातवीं फ्लोर में अकेला छोड़कर तो आएगी नहीं, इसका मतलब लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो गया। तभी कायर हंसते हुए कहती है हाँ लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो गया। लॉन्ग हाउचेन और कायर की टीम लॉन्ग हाउचेन और कायर का इतना ज्यादा टेंशन कर रहे थे कि उन्होंने अपने चारों तरफ टावर ऑफ इटर्निटी के बदलावों को देखा ही नहीं। उन्होंने नहीं देखा था कि उनके आसपास कितनी ज्यादा पवित्र ऊर्जा उड़ रही है। तभी वहां पर जो कायर होती है वह सभी को लेकर फिर से टावर ऑफ इटर्निटी के सातवें फ्लोर पर पहुंचती है। वो लोग देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन अभी भी कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठा हुआ था और लॉन्ग हाउचेन ने इस समय अपनी आंखें को बंद किया हुआ था। लॉन्ग हाउचेन को देखकर सभी लोग तुरंत उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और वो लोग लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं। उन सभी की आंखों से तुरंत आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जब कायर को लॉन्ग हाउचेन को सीढ़ियों पर खून से लथपथ हुए देखा था तो वही दृश्य वो लोग भूल नहीं पा रहे थे कि आखिर कायर इतना ज्यादा दर्द कैसे सहन कर पा रही थी। उस समय कायर का पूरा शरीर ही खून से लथपथ था, यहाँ तक कि कायर जिन सीढ़ियों पर चढ़ रही थी वो भी पूरा लाल हो जा रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कायर होती है वो सभी से कहती तुम लोग अपने चारों तरफ देखो। वो लोग चारों तरफ टावर ऑफ इटर्निटी के सातवें फ्लोर पर देखते हैं। इतनी ज्यादा पवित्र ऊर्जा को देखकर काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उन्होंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वो लोग लॉन्ग हाउचेन और कार की बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रहे थे। ये पवित्र ऊर्जा इतनी ज्यादा पवित्र थी कि उन्होंने ऐसी ऊर्जा कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। उसमें से लिलिन कहता है अगर हम इस पवित्र ऊर्जा को इकट्ठा करें तो हम बहुत ही जल्दी लेवल 7 लेवल 8 या लेवल 9 तक पहुंच सकते हैं। तभी वहां पर लिलिन कहता है कायर आखिर इस टावर ऑफ इटर्निटी में इतनी ज्यादा पवित्र ऊर्जा आई कहां से। इस टावर ऑफ इटर्निटी में तो हमेशा मृत्यु की आभा बहुत सारे भूत वूत घूमते थे लेकिन यहां पर इतना ज्यादा चेंजित कैसे हुआ। तो जो कायर होती है उन सभी को एलेक्स की घटना बताती है कि आखिर एलेक्स के साथ क्या हुआ, एलेक्स को उस लड़की ने कैसे धोखा दिया और एलेक्स ने इस पूरी मानव जाति में कैसे विनाश लाया, एलेक्स के परिवार को कैसे मारा गया। इन सारी चीजों को कायर जो होती है वो अपनी टीमों को एकदम विस्तार में बताती है। वहाँ पर एलेक्स की कहानी सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अगर एलेक्स की जगह होते तो पता नहीं वो लोग क्या करते। उसके बाद वहाँ पर जो कायर होती है वह कहती है कि सारे लोग यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाओ। उसके बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह लेकर पूरे टावर ऑफ इटर्निटी के सातवें फ्लोर पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर यांग वांग झाओ और डुआंगी भी तुरंत बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। जैसे उनके अंदर वो ऊर्जा जाती है तुरंत उनका लेवल बढ़ने लगता है और वो लोग लगभग 10 मिनट के अंदर ही लेवल 7 पर पहुंच जाते हैं। इस भयानक प्रकृति को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शौक थे, सभी की लेवल बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगता है। जो कायर लेवल 7 स्टेज 6 पर थी वो थोड़ी ही देर में आधे घंटे में लेवल 7 स्टेज 9 पर पहुंच जाती है। और जो कायर होती है वो 2 घंटे और कल्टीवेशन करती है और थोड़ी देर में वो लेवल 8 के स्टेज फर्स्ट पर पहुंच जाती है। कायर इस बढ़त को देखकर काफी ज्यादा शौक थी, सभी का लेवल बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन इस समय अपने बॉडी के अंदर उस दिल के बनते हुए को देख रहा था। दरअसल जैसे जैसे वह हार्ट ऑफ इटर्निटी गाइस एलेक्स ने लॉन्ग हाउचेन को जो दिल बना कर दिया है उसका नाम है हार्ट ऑफ इटर्निटी और वह जो दिल था वह लॉन्ग हाउचेन के बॉडी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लॉन्ग हाउचेन एकदम कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठने के बाद उस दिल को एकदम अपनी बॉडी के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका दिल फिर से सुपारू रूप से बन सके। दरअसल लॉन्ग हाउचेन को जो एलेक्स ने दिल बना कर दिया था वो सन ऑफ लाइट का एक ऊर्जा फॉर्म था और अभी वह दिल जो था वह लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर पूरी तरह से बन रहा था, उस पर मांस धीरे धीरे लग रहा था। इस समय अभी लॉन्ग हाउचेन के दिल का कलर एकदम सोना कलर था। तो गाइस क्या लॉन्ग हाउचेन का दिल पूरी तरह से लॉन्ग हाउचेन बना लेगा, यस नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।